Hey everyone, how are you all? So in this video, I have shown कि मैं घर पे कैसे ready होती हूँ. Nothing fancy, बहुत ही minimal products मैंने use किए हैं, just an eyeliner, a good flawless base. That's that. Let me know in the comment section what you guys think about these sort of videos, because I'm planning to do these sort of videos a lot. This Amaryllis cream, ये cream बहुत अच्छी है, under foundation बहुत अच्छी cream है, थोड़ी सी expensive है, 1200 इसका price है, Nykaa पे easily available है, you can check it out. For foundation I'm using this Colourbar foundation, shade मुझे आती है, मैं screen पे mention कर दूँगी. बहुत heavy foundation है तो मैं थोड़ा सा lightly से use करूँगी, just to hide my blemishes and acne scars. फिर उसके बाद मैं top it up कर लूँगी Wet n Wild के color corrector से. बहुत ज़्यादा अच्छा color corrector ही मुझे नहीं लगता है, मेरे पास खरीदा हुआ है तो यूज़ तो करना है, तो इसलिए मैं इसे फाउंडेशन के ऊपर लगा रही हूँ और इससे मेरे एक्ने और ब्लेमिशेस जो भी हैं पूरे कवर अप हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. जबकि नहीं हो रहे हैं आई थिंक, पर उतना भी नहीं है कि दिख रहे हैं, चलो ठीक है जो भी है. उसके बाद पाउडर के लिए आई एम यूजिंग दिस नायका का कॉम्पैक्ट और बिग फ्लफी ब्रश से. पूरा स्टोर के मेरे ब्रशेस रहते हैं, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर आस्किंग कि मैं ब्रशेस कौन से यूज़ करती हूँ. तो पूरा स्टोर के ब्रशेस बहुत बहुत अच्छे हैं, फॉर बिगिनर्स और पॉकेट फ्रेंडली भी हैं, तो यू कैन बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट. मैंने शायद फ्लिपकार्ट से लिए थे, आई डोंट रिमेम्बर. फिर मैंने हुडा ब्यूटी का पैलेट ले लिया है और ये पीछे पिंकिश सा शेड मैंने ऑल ओवर द लिड अप्लाई कर लिया है, जस्ट टू गिव इट अ गुड अमाउंट ऑफ कलर ऑन माई आईज, की आईज मेरी फ्लैट ना लगे. अगर आप लोगों के पास आई शैडो नहीं है तो आप लोग कोई भी लिक्विड लिपस्टिक या फिर ब्लश यूज कर सकते हो. देन हेयर कम्स द फेवरेट आई लाइनर, दिस इज शुगर आई लाइनर. आई लाइनर बहुत अच्छा है, इसकी टिप बहुत अच्छी है, अगर किसी को विंक करने में प्रॉब्लम होती है ना तो ये आई लाइनर उस बेसिस पे उस पर्पज पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टे अच्छा है. ऑयली लिप्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये आई लाइनर. फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस कलरबार मस्कारा, दोनों साइड से खुल जाता है ये मस्कारा, दो साइडेड है, एक वॉल्यूम के लिए है, दूसरा पता नहीं किस लिए है, तो मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे याद नहीं आ रहा है किस लिए है. अच्छा मस्कारा है वो भी. उसके बाद मेबेलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, शेड नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. और ये लिपस्टिक का जो स्टे है वो बहुत अच्छा रहता है, फॉर्मुलेशन थोड़ा सा टैकी हो जाता है डेली बेसिस पे वेयर करने के लिए, लेकिन स्टे अच्छा है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं ना तो ये हटती नहीं है, वी डोंट नीड एनी टचअप. सो दैट्स दैट, आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग इट. प्लीज सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी, एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय. नेल्स आउटफिट है वो मैंने लोकली लिया है तो मैं कोई लिंक नहीं दे पाऊंगी, और नेल्स के बारे में भी आप लोग पूछते हो कि मैं कहाँ से करवाती हूँ, वो भी लोकली है, सो देर इज नो लिंक. एंड नेल्स के लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं लेके आने वाली हूँ, आई होप यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर दैट.